अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ बुशरा। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की रेसिपी है बड़े मज़े की, जो कि बड़ी क्विक बनती है। तो अगर आप किसी को इम्प्रेस करना चाहती हैं तो आप ये रेसिपी सुबह नाश्ते में बना के अपने घर वालों को खिलाएं और सबकी फेवरेट बन जाए। तो देखते हैं कि ये मज़े की और आसान रेसिपी कैसे बनेगी। ओके नाज़रीन, सबसे पहले हम जो है ये दो ब्रेड ले लेंगे और इसको इस तरह से पीसेस करके इसको हम जो है एक बोल में इस तरह से हम कर लेंगे। ये बहुत आसान रेसिपी है, 2 मिनट में बन जाती है और बहुत यमी है। ये आप देखेंगे, ये बिल्कुल इसकी जो पूरी जो कुकिंग का टाइम है वो मुश्किल से कोई 6-7 मिनट्स में बन जाएगा ये। सो इट्स वेरी वेरी ईजी। अब हमने डालना है 1/2 कप मिल्क और इसको सोक करने के लिए एक साइड पे रख देना है और इतनी देर में हम अपनी बाकी सारी चीजों को रेडी करेंगे। अब इसमें हमने जो ये ब्रेड जो है मिल्क के साथ सोक की थी इसको डाल देंगे। और इसको भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। अब हम इसमें जो हमने ये बैटर बनाया था ये सारा इस तरीके से डाल देंगे फ्राई पैन में। ये आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट रेडी है। इसको आप फ्लिप भी कर सकते हैं थोड़ा सा ताकि सही तरीके से पक जाए, वरना आप इसको लो स्टीम में ढक्कन ढक के आप इसको पकाते रहें और ये पक जाएगा विद इन 10-7 मिनट्स में। और मैं थोड़ी देर में बताती हूँ आपको ये किस तरह का बनाएंगे। अजी, आप लोग देख सकते हैं कि हमारी मज़ेदार सी ये ब्रेकफास्ट की रेसिपी बिल्कुल रेडी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। ओके जी, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, उसको ये रेसिपी बताना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। विद लॉट्स ऑफ लव, अल्लाह हाफ़िज़।